वेलकम टू स्वाद घर सा। मैं पूनम, मेरी आज की रेसिपी है चीज़ी पास्ता, इसे मैक्रोनी भी बोलते हैं। बच्चों की पसंदीदा रेसिपी है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे घर में बना के तैयार कर सकते हैं, बिना उबाले, बिना किसी झंझट के चीज़ी पास्ता झटपट घर में तैयार कर सकते हैं। आप इसमें अपनी पसंद की सारी सब्जियों को ऐड कर सकते हैं और बच्चों को बना के खिला सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आपको मेरी चीज़ी पास्ता की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 चम्मच बटर ऐड करेंगे, गैस ऑन कर दिया है मैंने, और 1 चम्मच ऑयल, इसको मेल्ट करेंगे। गैस को मीडियम ही रखें। बटर मेल्ट हो गया है, अब तल लें, पतला कटिंग कर लें प्याज को और इसमें ऐड करें। और हल्का हमें सॉफ्ट करना है प्याज को, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सॉफ्ट करना है। थोड़ा गैस को हल्का सा फास्ट करके, मीडियम फास्ट करके इसे पका लें। 1 मिनट हो गया है, प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इसमें हम वेजिटेबल ऐड करेंगे, आपके पास जो भी वेजिटेबल हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 कैरेट लिया है, गाजर इसे कट कर लिया है बारीक, 1 शिमला मिर्च मीडियम साइज का, मकई, कॉर्न मैंने उबाल के रखा था, उबला हुआ मकई इसमें ऐड करें। आप जो भी वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं, जो भी आपके पास हो बीन्स वो भी आप ऐड कर सकते हैं पास्ता में, मैक्रोनी में। और ये मिर्ची है, मिर्ची का खाना पसंद करते हो तो ऐड करें। 2 से 3 मिर्ची मैंने लिया है, ग्रीन चिली। इन सबको 2 मिनट हमें फास्ट करके गैस को पकाना है, कंटिन्यू लगातार हमें इसे चलाते रहना है। 2 मिनट तक लगातार हमने सब्जी को कंटिन्यू चलाते रहा और अब हल्का सा ये भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पास्ता को, मैक्रोनी जो भी आपके पास हो। मेरे पास एल्बो साइज का है, मैंने इसे धो लिया था। 1 कप पास्ता है, मैक्रोनी जिसे बोलते हैं, इसे ऐड करें। मैक्रोनी को बनाने से पहले आप अच्छे से धो लें 2-3 पानी से, उसके बाद ही इसमें ऐड करें। अगर आप बटर खाना नहीं पसंद करते तो बटर की जगह वेजिटेबल ऑयल जो भी खाते हैं उसे ऐड कर लें, बटर ऐड ना करें। इसे हमें 1 मिनट तक सबको मिक्स करना है। 1 मिनट तक हमें इसे कंटिन्यू चलाया फास्ट करके गैस को। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमें बस इतना ऐड करना है कि मैक्रोनी के बराबर तक ही रहे, ऊपर तक ना रहे, उसकी लेयर पे ही हमें इतना ही पानी ऐड करना है। ये देखिए पास्ता के नीचे तक ही पानी है, पास्ता के ऊपर तक, मैक्रोनी के ऊपर तक पानी नहीं है। और अब इसे हम गैस को मीडियम करके ढक देंगे, मीडियम गैस पे करके इसे अभी हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हमें इसे ओपन करेंगे, गैस को मीडियम ही रखिए। 5 मिनट हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। देखिए पास्ते का पानी काफी अंदर तक सूख गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च, काली मिर्च का पाउडर है ये, 1 टेबल स्पून मैक्रोनी मसाला। मैक्रोनी मसाला अगर आपके पास है तो ऐड कर दें, मैक्रोनी के साथ मिलता भी है बाजार में, वैसे भी बहुत ही आसानी तरीके से अवेलेबल हो जाता है पाउच में। अब उसे मिक्स करें, इसमें ऐड करें मसाला, आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं कम ज़्यादा। इसे मिक्स करना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, 120 ml मिल्क है ये, हम इतना एक इस मात्रा से इसमें ऐड करना है मिल्क, मैक्रोनी के नीचे तक ही रहे, लेयर के ऊपर ना जाए, इतना ही हमें मिल्क ऐड करना है। आप मिल्क की जगह ताज़ा क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास ताज़ा क्रीम है उसे खाना पसंद करते हो तो मिल्क की जगह आप उसे ऐड कर सकते हैं। इसमें सबको मिक्स कर लें। 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था, कॉर्नफ्लावर का पाउडर, उसमें
दो से तीन चम्मच पानी मिला करके इस तरीके से घोल बना के रखा है, इसमें हम ऐड करेंगे, आप 2 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं मैक्रोनी का पाउडर, और उसे इस तरीके से मिला लें। आप कॉर्नफ्लावर की जगह चावल का आटा या अरारोट भी यूज कर सकते हैं, सेम टेस्ट आता है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर का आटा नहीं है तो कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप उसकी जगह ऐड कर सकते हैं। फाइनली अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेटेड चीज, ये 4 से 5 चम्मच ग्रेटेड चीज है, मोजरेला चीज, इसे हमें ऐड करना है। चीज भी आप अपने टेस्ट के अनुसार पसंद करते हो तो ऐड करें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, ना ऐड करें। इसे हमें मिक्स करना है सबको। और फिर से हमें गैस को मीडियम करके रखना है, धीमी आंच पे गैस करके हमें इसे पकने देना है, गैस को मीडियम करके 5 मिनट। 5 मिनट हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा पास्ता बनके रेडी हो गया, देखिए कितना स्टिकी, कितना बढ़िया बनके एकदम मार्केट के जैसा बनके रेडी हुआ है। इसमें हम नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अनुसार, जैसा आप खाना पसंद करते हैं नमक ऐड करें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। हमारा मैक्रोनी चीजी पास्ता बन करके रेडी है। देखिए कितना इजी था इसे बनाना, डायरेक्ट हम इस तरीके से बना के रेडी कर सकते हैं कभी भी, जब भी आपको खाने का मन हो, बच्चों का इंटरेस्ट हो खाने का, तब इस तरीके से फटाफट बन के रेडी हो जाता है बिना किसी झंझट के। और देखिए बस हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं, बन के रेडी। आप इसमें चाहे तो चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि मैंने ग्रीन चिली ऐड किया है, तो आप चाहे तो रेड चिली और चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। ओके डन, अब ओके हो गया है, हम इसे निकाल लेते हैं, कम्प्लीट हो गया है। पास्ते को आप एक बार चेक कर लें, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप पास्ते को चेक कर लें कि आपका पास्ता अच्छे तरीके से पका है कि नहीं। आप इस तरीके से कट करके देखें और ये देखिए बढ़िया अच्छे तरीके से पक गया है पूरा, तो इसका मतलब हमारा कंप्लीट हो गया है, पक गया है पास्ता, खाने के लिए रेडी है। तो अभी हम निकाल लेते हैं, ये देखिए मैंने पास्ता को मैक्रोनी को प्लेट में निकाल दिया है और कितना बढ़िया हमारा पास्ता मैक्रोनी बन के रेडी है। देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फाइन, और कलर कितना बढ़िया आया है। चीजी पास्ता हमारा बनके रेडी है, बहुत ही सुंदर है। मैंने इसमें थोड़ा सा चीज को ग्रेट करके ऐड कर दिया है, अगर आप चीज खाना पसंद करते हैं तो ही ऐड करें। और ये हमारा चीजी क्रीमी पास्ता बनके रेडी है। तो बताइए कब बना रहे हैं आप इतना टेस्टी क्रीमी चीजी पास्ता, झटपट बनके रेडी हो जाता है बिल्कुल बिना झंझट के। आपको मेरी इस पास्ते मैक्रोनी की रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करें। थैंक यू।